जय माता दी। देखो दोस्तों कितनी सुंदर डेकोरेशन की हुई है, एनर्जी रीडिंग भाई। बोल साके दरबार की जय, जय हो झंडे वाली देवी की। तो दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवलिंग देसी बॉयज, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे फर्स्ट नवरात्रे में। हम पिछले साल आए थे झंडे वाले मंदिर और वंस अगेन हम झंडे वाला मंदिर आ गए हैं। तो आपको यहाँ पे बताएंगे कैसी कैसी व्यवस्थाएं की गई है, क्या इसका ओपनिंग टाइम है, कब कब आरती होती है, कैसे आप आ सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं की गई है। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं झंडे वाला मंदिर। दिल्ली के सेंटर पॉइंट में बना झंडेवालन मंदिर एक सिद्धपीठ है जो प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है जो कि झंडेवालन माता को डेडिकेटेड है। इस मंदिर में आने के लिए आपको मेट्रो के ब्लू लाइन झंडेवालन मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से एग्जिट लेना होगा। तो दोस्तों आप झंडे वाले अगर मंदिर आ रहे हैं तो आप मेट्रो का यूज कर सकते हैं और मेट्रो से आप एग्जिट जो गेट नंबर 1A है वहां से आप बाहर निकल सकते हैं सीधा। इस तरीके से आपको रैंप नजर आएगा, आगे हम आपको रास्ता दिखाते हैं। मेट्रो से बाहर आते ही आपको जो डायरेक्शन दिए गए मंदिर जाने के लिए उसको फॉलो करना होगा और इस तरीके का आपको झंडा देवी मंदिर का एरो नजर आएगा और यहाँ से आगे चलते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ से एंटर करते हैं 100 मीटर की दूरी पे झंडे वाला मंदिर है। तो नवरात्रि के फर्स्ट डे से आपको ई रिक्शा मिलेगा यहाँ पे निःशुल्क सेवा, जो कि सारे आपके भक्तगण जा सकते हैं। यहाँ पे एक गेट यहाँ पे है, एक गेट वहाँ से है। तो आप यहाँ से कल से नवरात्रि में शुरुआत होगी और यहाँ से VIP पास से जाएंगे और यहाँ से सारे ऑर्डिनरी पीपल जाएंगे। तो हम वहाँ पे आपको रास्ता दिखाते आगे का। चलो तो दोस्तों हम गेट से अंदर घुस चुके हैं, कुछ इस तरह की तैयारी कर रखी है, कल शुरुआत होगी इसकी अच्छी तैयारियों के साथ। तो हमने एंट्री कर ली है झंडे वाले मंदिर की तरफ और इस तरीके से यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं कराई गई है। यहाँ पे रेलिंग बनी हुई है, कल नवरात्रि स्टार्ट है तो यहाँ से लोग जाएंगे और बैक साइड से एंट्री करेंगे। और कुछ तरीके से देखिए आप, इस तरीके से ये जल सेवा की ड्रिंक्स भी लगी हुई है, वाटर फ्री है वहाँ पे कल के लिए। ये झंडे वाले मंदिर में लेडीज के लिए, लड़कियों के लिए निःशुल्क मेहंदी भी लगाई गई है, तो आप कल उसका मजा ले सकते हैं। यहाँ आपको जगह जगह जोड़ा घर भी मिलेंगे जिससे भक्तजनों को कोई तकलीफ ना हो, यूं कह लो कि कल के लिए फुल तैयारी ऑन है। यहाँ पे इको फ्रेंडली गमलों के स्टॉल्स लगे हुए हैं और इसके बाद आप देखेंगे आइसक्रीम्स के भी है जो कल की तैयारी होगी। यहाँ पे आप इस तरीके से स्टॉल्स लगाए गए आइसक्रीम्स के। तो भक्तजनों ये है मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर आके जिसने जो कुछ भी मांगा है वो उसे जरूर मिला है। माँ कभी भी अपने दर से किसी को खाली हाथ जाने नहीं देती, लोगों की सभी मुरादें यहाँ पूरी हो जाती है। तो आप भी यहाँ आकर झंडेवालन माता के दिव्य दर्शन कर सकते हैं और माता का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो भक्तजनों यहाँ पर आप देख सकते हैं झंडे वाली माँ का दिव्य रूप, बहुत ही सुंदर रूप है माता रानी का। आप उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं और जयकारा जरूर लगाना है कमेंट सेक्शन में। जय माता दी। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे सारा सजाया गया है, व्हाइट एंड रेड और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन किया गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है माता का। कल देखने वाला माहौल होगा नवरात्रि का पहला दिन। और सेकंड हमने झंडे वाले माता का दर्शन किए साथ में सरस्वती माता मंदिर, सरस्वती देवी और काली माता के दर्शन किए हमने। देखो दोस्तों कितनी सुंदर डेकोरेशन की हुई है और पंखा देखो कितना बड़ा, वाओ। नवरात्रि के अवसर पर मंदिर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है और अगर आप रात में विजिट करते हैं तो आपको मंदिर और भी ज्यादा प्यारा और सुंदर लगने वाला है। हम आपको बता दें कि यहाँ मेन माँ झंडे वालन के दर्शन तो करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा माता संतोषी, काली माता, लक्ष्मी माता, गणेश जी और राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी के दर्शन कर सकते हैं, उनकी भी प्रतिमा स्थापित है यहाँ। मंदिर के कॉम्प्लेक्स के अंदर भी आपको पीने के पानी की सुविधा मिल जाती है। तो दोस्तों मंदिर में आप जैसे आते हैं अगर इमरजेंसी किसी को वॉशरूम में है तो वॉशरूम भी दिए गए शौचालय, और देख सकते हैं यहाँ पे कितने बड़े बड़े कूलर्स पंखे लगाए गए हैं कल की व्यवस्थाएं के लिए। झंडे वाले में हम पिछले साल भी आए थे, बहुत ही अच्छा बंदोबस्त था और इस बार भी अच्छा बंदोबस्त है। तो दोस्तों माता के दर्शन करने के बाद जैसे हम आएंगे तो आपको शिवलिंग के दर्शन भी कराते हैं हम। शिवलिंग भी यहाँ पे है, आपको दिखाते आइए।
तो दोस्तों हम शिवलिंग देखने जा रहे हैं, जैसे हमने कहानी में सुना था जब खुदाई हुई थी तो वहां पे एक लिंग भी प्राप्त हुआ था, वहां पे बैठा था, वो ही देखने जा रहे हैं। आइए। शिवालिक को भी बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। माता रानी के दर्शन के साथ साथ आप यहाँ भी आइए और शिवलिंग के दर्शन करें और महादेव से आशीर्वाद भी लें। नवरात्रि के टाइम अगर आपने भी इस मंदिर में विजिट किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा प्लीज शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हमारे साथ आप भी शिवलिंग के दर्शन करें और महादेव का आशीर्वाद ले सकते हैं और एक जयकारा तो बनता है, तो हर हर महादेव। तो दोस्तों अब कर लेते हैं मंदिर की ओपनिंग की टाइमिंग जो क्या है। तो नवरात्रों के टाइम 4 बजे ये ओपन होता है, मंगल आरती होती है, उसके बाद श्रृंगार आरती किया जाता है वो 9 बजे किया जाता है। दिन में 12 बजे भोग आरती लगती है, उसके बाद 7:30 बजे श्रृंगार आरती होती है अगेन, फिर रात के 10 बजे शयन पटबंध होते हैं उसकी आरती होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप झंडलवानन मंदिर दर्शन के लिए आते हैं तो यहाँ पर आप प्रसाद नहीं चढ़ा सकते, प्रसाद चढ़ाना मना है। यहाँ आप नॉर्मल आइए, दर्शन करें और जो भी आपके श्रद्धा अनुसार दान पात्र में जो भी आप दान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आखिर ये झंडे वाला फेमस क्यों है हिस्ट्री के बारे में। जैसे हमने आपको बताया था यहाँ के एक करोल बाग के पुराने कपड़ा व्यापारी थे श्री भगत दास जी, जो वैष्णो देवी के बहुत बड़े भक्त थे। तो यहाँ पे अरावली की पहाड़ियाँ होकर करते थे, यहाँ पे वो साधना करते थे और यहीं पे उनको एहसास हुआ इस चीज़ का कि ज़मीन के अंदर कुछ है और उन्होंने यहाँ पे खुदाई करी है करवाई, तो यहाँ पे मंदिर उनको झंडे वाले की मूर्ति पाई गई, एक झंडा पाया गया और एक साथ में लिंग पाया गया शिवलिंग। तो इसी चक्कर में जब मूर्ति को खुदाई कर रहे थे तो खंडित हो गया था और ये उसमें चांदी का हाथ लगवाया गया था, तब इसकी पूजा यहाँ पे की जाती है। माता रानी के दर्शन के बाद आपको दिया जाएगा प्रसाद, जिनका व्रत है उनके लिए प्रसाद का अरेंजमेंट किया गया और जिनका व्रत नहीं है उनके लिए भी यहाँ भंडारे का अरेंजमेंट होता है। एनर्जी रीडिंग भाई। देन लास्ट में दर्शन के बाद आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं घर के लिए, इसके अलावा माता की चुन्नी कलावा माला बहुत कुछ ले सकते हैं। तो हमारे तो बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, आपको दर्शन करके कैसा लगा आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये था हमारा सफर झंडलवानन मंदिर का। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये ट्रिप आपको? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो जो झंडेवाला मंदिर आया है और जो नहीं आया वो प्लीज आइए इस नवरात्रि में। तो टिल देन सी यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।